गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का गुड मॉर्निंग हमारे रास्ते के बीच से इसलिए हो रहा है क्योंकि आज क्या रोज सुबह सुबह आपको रूम दिखा है ना, तो आज लाल किले जा रहे हैं इसलिए इसने लाल पहना हुआ है, क्या लॉजिक है मुझे पता नहीं है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, देन विल गो टू द लोरी गार्डन। आज भी हम लोग कल की तरह यूज़ करने वाले हैं लोकल ट्रांसपोर्ट, तो आज भी मेट्रो में ही घूमेंगे और देखते कहाँ कहाँ जा सकते हैं, लेकिन आज खाने के लिए पेट में जगह बना दिया है क्योंकि इट्स बीइंग लॉन्ग डे, सो वी विल हैव लॉट्स ऑफ फूड। लेट्स सी, चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। सीम्स लाइक हमारे नसीब में दिल्ली का बारिश लिखा ही हुआ है और यूएस साइड, तो बारिश हो रखी है जोर से, हमें कहीं पे भी घूमना है दिल्ली में, हमें बारिश को फेस करना ही पड़ेगा। और ठीक है हवा के साथ है तो शायद से थोड़ी देर में रुक जाएगी, यार क्या बोले अभी व्हाट यू वांटेड, सोचा था कि सुबह आज अच्छे से निकलेंगे तो ये बारिश आ गई। चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ करते हुए निकल ही जाएंगे, कर ही लेंगे, ट्रैवल तो करना ही है, तो ऐसे नहीं तो ऐसे कर ही लेंगे, कर ही लेंगे है ना। हां 10-15 मिनट रुकते हैं, वैसे भी लास्ट डे ऑफ दिल्ली, 10-15 मिनट रुकते हैं, नहीं रुका तो फिर देखते हैं व्हाट वी कैन डू एंड विल लीव फॉर अदर साइड्स। सो हमारे सामने है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यहीं पे कॉमनवेल्थ का हुआ था, लेकिन एक चीज़ है दिल्ली में जैसे ही बारिश हो जाती है रोड खाली हो जाते हैं यार, कोई निकलता ही नहीं है। अगर मुंबई हो कमर तक पानी हो लोग तैर के निकलेंगे, पर निकलेंगे हाँ, एचआर वाले बोट भेज देंगे आपको काम के लिए, बोट में आ जाओ, लेकिन आ जाओ। और दिल्ली देखो रोड खाली हो गए यार, लोग यहाँ पे लगता है बारिश की लोगों को आदत नहीं है ट्रैवल करने की बारिश में, थोड़ी से हाँ। चलो कोई नहीं, यहाँ से लोधी गार्डन है ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर, क्लाइमेट बहुत अच्छा हो चुका है, ठंडा, तो हम लोग आज वॉक ही लेंगे, मज़ा आएगा वॉक लेने में। ये देखो नज़ारे, पूरा खाली रोड। कोई नहीं, अभी जाते लोधी गार्डन और दिखाते वहाँ पे जान क्यों जा रहे हम लोग। बारिश ऑलमोस्ट रुक चुकी थी और फिर से हेवी रेन शुरू हो गया है, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शी सिटिंग है, क्या करना है अभी, वेट करना है कि निकलना है? वेट करते हैं, देखते हैं अभी, मैं तो सोचूं देखते हैं, रुकी तो ठीक, वरना फिर निकलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं इसे। हाफ एन आवर के लिए देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर विल मूव, बिकॉज इट्स लास्ट डे ऑन दिल्ली, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, फिर वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सो बारिश ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन हमने ट्रैवलिंग का साथ नहीं छोड़ा और लोधी गार्डन पहुंच गए। देखो द फर्स्ट ग्रेफिटी वॉल, वाह दिख रही है कितनी प्यारी है, अब क्या कहूँ मैं इसके बारे में, 320 लुक्स ब्यूटीफुल ऑन बैकग्राउंड। अब देखते हैं आगे जाके और ग्रेफिटी वॉल्स मिलती है, कैसे मिलती है, विल चेक इट आउट दैट, बट खूबसूरत है एक्चुअली, अच्छी दिख रही है देखने में पूरी वॉल्स, तो अभी आगे जाके हंट करेंगे मोर ग्रेफिटी वॉल्स, लेट्स गो। सो इट वॉज अ डिफिकल्ट हंटिंग चल रहा था ना ग्रेफिटी वॉल्स का, बट वी फाइनली फाउंड इट एंड हियर इट इज, सी द ब्यूटिफुल वॉल्स एंड वॉकेबल रोड्स हियर टू वॉच, नाइस वन, दिस इज रियली गुड, चुंदली द गुरुद्वार जस्टिस एंड दैट साइड इज बर्ड्स एंड ऑल, हट्टी इंडिया। सो वी आर जस्ट लुकिंग एंड हंटिंग द मोर ग्रेविटी वॉल्स for just more looks, chalo that side we click some pics first, so barish bhi bahut acche se ruk gayi hai aur look at these beautiful walls, ye side, so we actually enjoyed, now we are hunting for more walls aur DC madam ko call aa gaya to aap se ab hum baat karenge, to subah jab nikle the na tab bahut barish thi lekin ab barish nahi hai to ruk gayi to acha lag raha hai, एंड उसकी वजह से नेचुरल डिफ्यूज़र बन चुका है क्लाइमेट में,
बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम गीले हो चुके हैं सर से। कपड़े गीले नहीं हुए लेकिन सर हमारा गीला हो चुका है। सो विल मैनेज समथिंग, विल फाइंड आउट सम वेज टू ड्राई इट अप। लेट्स सी हाउ वी कैन डू। वहाँ पे मोर ग्रैफिटी वॉल्स है, इस साइड भी बहुत सारी ग्रैफिटी वॉल्स है। सो विल वॉक एंड विल सी हाउ इट इज। थोड़ा रोड चेक क्रॉस कर ले, चलो। दिल्ली के रास्तों पे रोड क्रॉस करेंगे। हाँ, यहाँ पे हल्की सी बारिश हो जाती है, रोड खाली हो जाते हैं। अपने यहाँ पे हल्की सी बारिश हो जाती है, रोड भर जाते हैं। हाँ, दिस वन इज नाइस। We find out some more graffiti walls. This is really colorful, this one. Yeah, I like it, the both one. This is giving me the vibe of Arabian designs. And wow. So this is giving me Arabian feeling and this is like Indian color food feeling. यहाँ से जोरबाग मेट्रो स्टेशन नज़दीक है तो हम लोग वैसे ही जाएंगे। We'll check out how we can go. कैसा लग रहा है नया लुक? शेविंग करवा ली क्योंकि विनी को पसंद नहीं आ रही थी मेरी बियर्ड्स लंबी वाली, तो शी वाज लाइक कि शेविंग करवा ले, तो मैंने करवा लिया। हाँ, कैसा लग रहा है बताओ यार? वही ओल्ड वाला लुक जो मुंबई में रख के घूमते थे, ये अब वो बंजारों वाला लुक नहीं रहा। हम सोफिस्टिकेटेड लगने लग गए अब। और अब जा रहे हम लोग लाल किला क्योंकि हम लोग रिटर्न की तरफ है, तो सोफिस्टिकेट लगना ज़रूरी था। तो अब जा रहे हम लोग लाल किले की तरफ, लाल किला घूम के चांदनी चौक। बारिश वापस से रुक गई है, आती है जाती है, कुछ समझ में नहीं आता इस जगह पे। हमारे पीछे है लाल किला, पूरा आप वॉल देख रहे हो, फोटो डाल दिया, अपलोड कर दिया। अब उसका जो एंट्री है वहाँ से पूरा अंदर की तरफ है, जो कि हालांकि अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है कोई जवाब नहीं दे रहे। अब जाएंगे तो पता चलेगा, बट यार देखते एटलीस्ट उस तरफ बढ़ते और देखते क्या कर सकते हैं, क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की हो रखी है। And we are almost done with the day, right? Yes, almost done. देखते यार हम लोग करेंगे कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है अंदर की साइड जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। और ये बहुत अंदर चलने का है, क्या कहना है, जाना है तुझे? ना बाबा, यहाँ तो हमारा कोई मूड नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं और थक भी चुके हैं। यहाँ पे ही था एक जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन, हम लोग ऐसे ही चल के आए। इतना यहाँ पे एक तो समझ में नहीं आता, लाल किला उतरो तो लाल किला नहीं पहुँचता, आपको जामा मस्जिद उतर के लाल किला जाना पड़ता। यार थोड़ा सा तो क्लियरिफाई कर दो कि कौन सा मेट्रो स्टेशन किस चीज़ के लिए है। दिल्ली अपना मुंबई से ही है। CST मतलब CST, मस्जिद बंदर मतलब मस्जिद बंदर, बांद्रा मतलब बांद्रा, अंधेरी उतर के आप बांद्रा नहीं जाते। टू मच कन्फ्यूजन। सो फाइनली वी एंटर टू चांदनी चौक। विनी चांदनी चौक के अंदर आ चुकी है। इट्स गिविंग मी द वाइब ऑफ मोहम्मद अली रोड एंड ऑल, जो मुंबई के वहाँ के पुराने इलाके हैं उसके जैसी वाइब्स आ रही है। व्हाट अबाउट यू? है ना, गली गली से निकल। हाँ, और अमृतसर भी ऐसा ही लग रहा था, बस बारिश की वजह से थोड़ा सा प्लेजेंट क्लाइमेट है, लेकिन किचड़ हो चुका है मुंबई की तरह ही, स्लश है हर जगह। और थैंक गॉड वाटर प्रूफ शूज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब हम लोग जा रहे हैं जंग बहादुर कचौरी वाले के वहाँ पे कचौरी खाने के लिए। हाँ, चांदनी चौक में आके यू कैन फाइंड द लॉट्स ऑफ फूड वेरिएशंस, वो दिखना शुरू हो चुका है। लेट्स सी। हाँ, अंदर जा, और बारिश की वजह से ज़्यादा स्मेल आ रही है अब तो अंदर जाके अभी देखते हैं कि कैसा है। सो वी एंटरिंग पराठा वाले गली चांदनी चौक, और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हमें पता नहीं था कहाँ पे खाना है। बट जब यहाँ से जा रहे थे तो हमें यहाँ पे बहुत सारा रश दिखा था, आई थॉट कि यहाँ पे कुछ अच्छा रहेगा। एंड एक्चुअली यहाँ पे जो मेन्यू है आज, हाँ आज मैं पहली बार पापड़ वाला और पुदीना वाला पराठा खा रहा हूँ। लास्ट में हम लोग रबड़ी पराठा भी ट्राई करेंगे, आई डोंट नो हाउ इट गोस, बट एक्साइटेड। पराठे तो मुंबई में वैसे भी नहीं मिलते इस तरह से, तो नहीं मिलते, तो लेट्स सी। लग चुकी है हमारी थाली, ये
पापड़ पराठा है, आई डोंट नो हाउ इट इज, और अच्छा लग रहा है सारा कुछ देख के. सो लेट्स टच करें. दिस इज व्हाट वी गेट, अ फुल ग्लास ऑफ लस्सी. दोनों के बीच एक ही मंगाओ, डोंट वरी, क्योंकि ज़्यादा एपेटाइज है नहीं हमारा. दिस इज व्हाट पुदीना पराठा. अब देखते हैं, स्टफिंग सेम ही लग रही है स्टफिंग, बट यम्मी है, डिफरेंट टेस्ट. पुदीने का हल्का सा टेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है थोड़ा ना, और क्रिस्पी भी है. पराठा वाली गली में पराठा खा के हो गया, इट वॉज रियली यम, मज़ा आया खा के. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? इसको चीख आ रही है, इसने पराठे वराठे खाए नहीं, इसको चीख आ रही है. पहले पराठा वाली गली हमारा हो चुका है, ऑलमोस्ट दो पराठे खा लिए, एक पापड़ और एक पुदीना. विनी को कैसा लगा? लास्ट टाइम तो छीके खा ली इसने तो. एक्चुअली एक साथ बहुत सारी आई. ओ हाँ हाँ, आप बताओ. पराठा बहुत अच्छा था, और दूसरी बात भीगे इसकी वजह से छीक आई, और ये भीगे इसकी वजह से छीक आई, या हो सकता है. बढ़िया, कुछ बोल, क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट हो गया. सोचिए इस गलियों में गर्मी में क्या हाल होता था, बहुत ख़राब होता था. तो बेटरली हम लोग भीग गए, और अभी हम लोग जा रहे हैं शाम बेदनीपुरी. पता नहीं वो भी कैसा होने वाला. हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पे खा लिया था जंग बहादुर के वहाँ पे कचौड़ी, सो वी हैड दैट, बट लेट्स सी हाउ इट्स गोस. अब छोटी छोटी गलियों में घूमते हुए घुस रहे चांदनी चौक की गलियाँ. तो सबसे विनी को अजीब ये लगा कि वहाँ पे केले की चटनी थी. हाँ, मीठी मीठी, बट वो अच्छी थी, मस्त थी, मीठी मीठी. एंड द वर्थ वाज अ लस्सी, लस्सी वाज रियली वर्थ इट, और मजा आई लस्सी खा के. सो अभी जाते आगे, और आगे जाके आपसे बात करते हैं थोड़ा सा. मैं केला किसी और चीज के साथ इमेजिन कर नहीं पा रही, नॉट इवन मिल्क शेक. हाँ, इसको इसको केला ऐसे ही पसंद है, मतलब खाना, नॉट लाइक मिल्क शेक और एनी आइसक्रीम लाइक दैट. तो ठीक है, मैंने टेस्ट किया, बच गए. मैंने टेस्ट किया, इट वॉज रियली गुड, सो वर्थ इट टू ट्राई इट. वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें नेक्स्ट टाइम के लिए होती है, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही हो गया. बेदनीपुरी ख़त्म हो चुकी है, नागौरी हलवा सिर्फ मॉर्निंग में मिलता है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी मॉर्निंग में ट्राई करेंगे. आज हम लोग ट्राई करें गेवर. मैंने गेवर एक्चुअली उदयपुर में खाया हुआ है, दिल्ली में नहीं खाया हुआ है, बट विनी का फर्स्ट टाइम है गेवर, तो तू खा. कैसा लगा इसका रिएक्शन देखो, बिल्ली का ये बिल्ली का रिएक्शन मीठा खाने के बाद. अच्छा लगा मतलब, लाइक लेट्स ट्राई. मुझे मीठा यार. गेवर इज राजस्थानी रहता. इट्स रियली गुड. हाउ यू फेल्ट? मस्त ना, इसका तो रिएक्शन से ही पता चल गया मस्त का. तो ये खाते हैं एंड विल गो फॉर अ नेक्स्ट स्टॉप. अभी देखते हैं यार क्या करते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत कुछ नहीं भी चल रहा है. एंड लेट्स सी हाउ इट्स एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा गया, पराठे मज़ा है, जंग बहादुर के वहाँ पे जंग बहादुर की कचौरी भी मज़ा ही खाने में, और गेवर तो मस्ती है. तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, पहले ये ख़त्म करते हैं. ये बिल्ली को पहले खा लेने दो, पहले ये पूरा यही खाने वाली है, मुझे पता है. कैमरे में आपके सामने दिखा दिया ना इसने खिला के, बस जैसे ये बंद होगा ना फिर नहीं खिलाएगी, अब नहीं खिलाएगी लड़की, दिख के ले लो मुझ से. ये एक लौती लड़की है जो खाना खा के थक चुकी है. कैसा लग रहा है? कितना कम खाया तूने? मजा आ रहा है ना भाई? मेरा एपेटाइट उतना नहीं है यार. तो क्या हो गया? हां, कैमरा है. हां, कैसे चलते थे पूरा दिखते हुए चलते सब. पुलिस को देते हम रिकॉर्डिंग्स.
डोंट वरी। तो ऐसे कुछ नहीं। हाँ तो खाने खाते रहना चाहिए, खाने के लिए हम लोग चल रहे हैं ताकि खाना हजम हो जाए। अभी तक हम लोग ने दिल्ली में क्या नहीं खाया, दाल मखनी नहीं खाई, राजमा चावल नहीं खाए, कढ़ी चावल नहीं खाए, पनीर बटर मसाला नहीं खाया। ये लड़की का मुंह देखो, जब मीठा खाने का आता है ना तो इसका मुंह आ हो जाता है, और जब कुछ और खाने का आता है तो मुंह छोटा कर देती है छोरी। अब हम लोग जा रहे हैं कुरुमल कुल्फी वाले के वहाँ पे कुल्फी खाने के लिए। ये इसके मुंह में चला जाएगा, ये इसके मुंह में चला जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं कुल्फी खाने में। बाकी खाने को बोलो तो इसके नखरे होते हैं हज़ार। तो पहले पहुँचते हैं वहाँ पे, क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है वापस से। सो हम लोग चौड़ी बाजार में करुमल महावीर प्रसाद कुल्फी वाले के यहाँ पे है। दिल्ली में बहुत फेमस है ये, और इनकी फेमस है स्टफ कुल्फी। और देख लो हो गया ना इसका गेवर, देखा गेवर हो गया इसका। अंकल जी यहाँ काटना सामने। सो अब सीन ऐसा है कि यहाँ पे इनकी बहुत सारी ब्रांच है, बट हम लोग को जो नज़दीक मिली हम लोग उसी में चले गए, बिकॉज अब चलने की कैपेसिटी नहीं बची है, हम लोग लिटरली थक गए। तो लेकिन स्पेशल है इनका स्टफ कुल्फी, सो वी आर ट्राइंग ऑरेंज स्टफ कुल्फी, लेट्स सी हाउ इट्स। सो दिस इज़ अ स्टफ कुल्फी, और एक्चुअली है कुल्फी लेकिन यहाँ पे छिलके अभी भी ऑरेंज के हैं। एंड यू हैव टू ईट लाइक अ फूड। रियली गुड मैन, इट्स रियली अमेजिंग। दिस इज़ यूनिक, लाइक ऐसे छिलके के अंदर कुल्फी भर के पूरा कट करके दे रहे, बहुत मज़ा आया था। इट्स रियली अमेजिंग, खा के बता दो कैसे थे। इसको तो ऑरेंज कुल्फी बहुत पसंद है स्टाफ। हाउ इज इट? या बारिश भुखड़ी के अंदर बहुत जगह होती है। नाउ इट्स जामुन कुल्फी। मैंने गावा चीनी खाई हुई है, कीवी खाई हुई है, मैंने खाई हुई है, लेकिन जामुन इज माई फर्स्ट टाइम। सो लेट्स ट्राई, हाउ इज इट? और पहले तो इसका ही रिएक्शन मजा आता है मुझे देखने में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब इसको अकेली को खाना था ना, इसने खाना गिरा दिया था कि मैं ना खा सकूं। इसकी देखो मैंने शुरू कर दिया यार, मैं खुद से पहले तू ट्राई कर। She like it. कैसे लगा? मस्त है ना? चलो खा लेते पहले, वरना ये खा लेगी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं देखूंगा। झूठ झूठ बोल रही है देने के नाम पे। लास्ट वाला कुछ मैंने रखा है इसके लिए। ये अकेले खाती है, मुझे कुछ नहीं देती है। So traveling in a Delhi electric rickshaw. We try cycle rickshaw in Amritsar and this is our new experience. मज़ा तो आ रहा है। यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर है, लाल किला इज नॉट लॉन्ग, सो इट्स गुड। फाइनली लेवलर बाइक जो श्रीनगर से सब चार लिए थे सारे के सारे हो गए, बारिश में खराब, बर्फ में खराब। दिल्ली से लेना पड़ रहा है बोया का, यहाँ पे ये लेवलर नहीं मिल रहा, मतलब बुरा बाजार में ये जो ऐसे रस्ते में मिल जाता है, मुंबई का निकल से लेके हर कोई इसको यूज़ कर लेता है, वो दिल्ली में नहीं मिल रहा है। शॉकिंग। नेक्स्ट टाइम दिल्ली आऊँगा तो ऐसे और 25 लेके आऊँगा खुद के लिए। अब क्या करें, ज़रूरत होती है तो जो मिल जाए वो लेने पड़ रहे, वैसी हालत हो रखी है। सो डूइंग दैट सेम वे। हाँ बोया का चलो ट्रायल लेते हैं फिर बात करते हैं। इतना लंबा वायर है एंड दिल्ली में कोई लेवलर माइक नहीं है अच्छा वाला। वाओ, इट्स लाइक अ शॉकिंग टू मी। ओह कोई नहीं, आप निकलते यहाँ से, बहुत अच्छा है। कहाँ से था ये वाला? राइट मार के निकल जाते। चल सो यहाँ से निकलते अभी। दैट्स वॉज अ वर्स्ट डिसीजन फॉर मी टू कमिंग हियर, टोटली वर्स्ट डिसीजन। मैं अभी जयपुर में देखूंगा, जयपुर में मिल गया तो बहुत अच्छा है, जयपुर में नहीं मिला तो अहमदाबाद में या फिर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बट एटलीस्ट तब तक के लिए मैं वॉइस ओवर दे दूंगा। आई वॉज रॉन्ग,
दिल्ली में मिल गया मुझे लेवनर माइक, बहुत मेहनत की, जहाँ पे मार्केट में नहीं मिलता ना, जहाँ तो सिंपल जगह पे भी कभी कभी मिल जाता है। सर जी ने बहुत मदद कर दी हमारी, लाल गेट के लाल किले के सामने ही पहले जाके राइट हैंड में, राइट हैंड पे 9899 मैं इनको भैया को कार्ड दे रहा हूँ, कोई भी सामान की जरूरत पड़े आप कार्ड प्रिंट करके आ सकते हो। मेरे पास कार्ड ऑलरेडी रखा हुआ है सर जी का, ये रहा तो रख देंगे। अगर दिल्ली आ रहे हो, लेवलर माइक चाहिए व्लॉगिंग के लिए तो प्लीज यार मत रुक, एनी अदर आइटम, लेकिन एटलीस्ट ये वाली बोया के अलावा जो चाहिए, मतलब जो दिल्ली में हम लोग ऑलमोस्ट 20-25 मार्केट घूम चुके हैं लेकिन नहीं मिला, सर जी के पास मिल गया। तो थैंक यू सर जी, आपने ना हमारा दिल्ली के लिए जो ये हो गया था ना कि यार ये चीज़ नहीं मिल रही, मतलब आपने तोड़ दी। नहीं सब कुछ मिल जाएगा ना, जो एनी अदर आइटम होगा आपको फोन कर दिया करो, मैं भेज दिया करूँगा। ओके सर जी, चलो तो फिर वैसे करेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम मुंबई से यहाँ से ऑर्डर कर लेंगे। तो थैंक यू, अभी निकलते हैं यहाँ से, और सर जी ने बस का भी बता दिया है तो बस से अभी या तो फिर ई रिक्शा देखते हैं, दिल्ली गेट निकलते हैं। हाँ थैंक यू सर जी अगेन, आज का दिन बहुत एक्साइटिंग है, और क्या कहे, दाढ़ी वाड़ी करवा ली, सब कुछ हो गया, विनी हेल्प कर रही है सब सेटअप करने में, अभी डेटा शी इज नॉट असिस्टेंट, ओके, तो अभी सारा डेटा वेटा ट्रांसफर करना है, और दाढ़ी वाड़ी करवा ली यार इसने ज़बरदस्ती से, मुझे तो बड़ा नहीं थी। अब ये जो मेरा वायर खो गया था ये मिल गया है, और सबसे बेस्ट हेलमेट का जो लेवलर जो मिल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, क्योंकि पूरा चांदनी चौक का एरिया घूम लिया लेकिन वायर नहीं मिल रहा था, फाइनली कोने पे मिल गया थैंक गॉड। तो मैंने 5 ले लिए थे ताकि आगे की जर्नी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके लिए जाके कॉफ़ी बनाएंगे एज यूजुअल, हमारा काम ही वही है। सो आज का दिन बहुत अच्छा गया, बारिश ने तंग किया, थोड़ा बहुत तंग किया नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही तंग किया, बट इट्स ओके, मुंबई वालों को आदत होती है बारिश के अंदर भी ट्रैवल करने की, सो दैट वी डिड। अब सारे डेटा वेटा ट्रांसफ़र कर लेंगे, कल हम लोग निकल रहे हैं सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे 5:30 बजे तक, मैक्सिमम 5:30 बजे तक जयपुर के लिए। जयपुर यहाँ से गो स्टॉप है 276 or 275 किलोमीटर्स, सो अप्रोक्सीमेट 6 घंटा लगेगा, और हम लोग रेस्ट लेके जाएंगे। कल हम लोग ने सोचा है कि बहुत सारे फोटोज और एंजॉय करते हुए जाएंगे, सो ऑलमोस्ट प्लान है कि 12 बजे तक पहुँच जाए, फोटोज नहीं है बिकॉज ग्रुप में होते हैं ना तो ज़्यादा फोटोज नहीं होते, और अभी की जर्नी है जो हम सिर्फ दोनों ही हैं, तो कल जयपुर जाते बहुत सारे फोटोज क्लिक करेंगे। 5:30 बजे इसलिए निकल रहे ताकि दिल्ली शहर के ट्रैफिक शुरू होने से पहले हम लोग निकल जाए, और बस वही प्लान है 10, 11, 12 मैक्सिमम 1 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे, ताकि थोड़ा रेस्ट करके हम लोग लोकली जयपुर 2-3 घंटा घूमें, बस और कुछ प्लान नहीं है। सो यस, इतना ही रखते हैं आज के लिए, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और यार जर्नी एंड होने आ रही है ना, यकीन नहीं हो रहा है, लाइक इट्स दिल्ली जयपुर गुजरात जहाँ से शुरू किया था देन मुंबई, पता भी नहीं चलेगा सब खत्म हो रहा है, बहुत हाँ बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। तो बस यहीं तक ब्लॉग लगते हैं, और कल ज्वाइन कीजिए जो जयपुर के लिए, तब तक अपना ख्याल रखो, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और कमेंट करना कि कैसा लगा दिल्ली का। आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर, आई जस्ट ट्रैवल, आई जस्ट ट्राइंग, तो मैं ज़्यादा वो ये सब्जी होती है ये वो होता है मैं नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम मैं सीख जाऊँगा धीरे धीरे आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना जाना, तब तक के लिए एडियोस साहिबा, पीस उसे, टेक केयर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली डे 2।